मिडिल ईस्ट की जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। अब तक पर्दे के पीछे से इसराइल पर हमला करने वाला ईरान अब खुलकर वार पलटवार कर रहा है। पिछले 6 महीने में ईरान इसराइल पर 2 बार हमला कर चुका है। 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमलों का इसराइल ने भी बदला पूरा कर लिया है। इसराइल ने 25 दिन बाद ईरान को उसी की भाषा में जवाब देकर अपना इंतकाम लिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले हुए। इसराइल ने अमेरिका को बताया कि उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों, पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी पर हवाई हमला किया। ऐसा नहीं है कि ईरान को इसराइल के संभावित हमलों का अंदेशा नहीं था। ईरान भी इसराइल के जवाबी हमले को लेकर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा दावा है कि ईरान को उसके सहयोगी देश रूस ने भी बड़ा अलर्ट दिया था। रूस ने इसराइल के हवाई हमलों से पहले ही ईरान को चेतावनी दी थी। बताया जाता है कि खुफिया जानकारी इसराइल के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमलों की घोषणा से कुछ घंटे पहले दी गई थी। स्काई न्यूज अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के जवाब में इसराइल के दूसरे दौर के हमले से कुछ घंटे पहले रूस ने तेहरान को खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। बावजूद इसके ईरान को नुकसान हुआ। ईरान ने पुष्टि की है कि इसराइल ने राजधानी तेहरान के साथ साथ अन्य इलाकों में भी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि जो धमाके सुनाए दिए वे इसराइली हमले को रोकने वाली एयर डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने के कारण थे। ईरान ने कहा कि उन्हें इसराइली हमलों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने पुष्टि की है कि इसराइली हवाई हमले में उसकी एयर डिफेंस फोर्स के 4 सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले सभी लोग ईरानी एयर डिफेंस से जुड़े थे। हालांकि ईरान ने उनकी तैनाती की जगह नहीं बताई है। वहीं इसराइल ने अपने हमलों के बाद ईरान से हिसाब बराबर होने की बात की। साथ ही इसराइल ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने हमलों का जवाब दिया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही ईरान से संघर्ष को और बढ़ाने से बचने का आग्रह किया। वहीं इसराइल के ईरान पर हमलों को लेकर रूस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने अंदेशा जताया है कि ताज़ा हमले मिडिल ईस्ट के तनाव को बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसराइल और ईरान का संघर्ष काफी बढ़ सकता है। इस दौरान रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि इलाके में चल रही विस्फोटक वृद्धि चिंताजनक है। हम सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने, हिंसा को रोकने और स्थिति को विनाशकारी हालात में बदलने से रोकने का आह्वान करते हैं। ईरान को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाना बंद करना और अनियंत्रित वृद्धि के चक्र से मुक्त होना आवश्यक है। ईरान पर हुए इजरायली हमले पर ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा कि ईरान इजरायल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी अधिकारियों ने खुलासा किया कि सुप्रीम लीडर अली खामेनाई ने IRGC को संभावित इजरायली हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। ईरानी प्रतिक्रिया की तीव्रता इजरायल की ओर से पहुंचाए जाने वाले नुकसान की सीमा के बराबर होगी। ईरानी मीडिया ने इजरायली एयर अटैक से होने वाले नुकसान को मामूली बताया और IDF पर हमले को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे करने का आरोप लगाया।